हमीरपुर जिला में बाहरी व्यक्तियों के आने के लिए आरोग्य सेतु ऐप बहुत ही जरूरी है और आरोग्य सेतु ऐप के बिना हमीरपुर में लोगों की एंट्री नहीं हो पाएगी। बड़सर के पास लगाए गए बैरियर में पुलिस की टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा थर्मल चेकिंग की जा रही है। लोगों को जिला हमीरपुर में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से स्क्रीनिंग के बाद ही परमिशन दी जा रही है। डीएसपी जसवीर सिंह के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप के बिना हमीरपुर में एंट्री नहीं दी जा रही है और मौके पर ही आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाउनलोड करवाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान मिली छूट में कर्फ्यू पास बनाकर अपने घरों में वापिस हो रहे लोगों की काफी भीड़ बॉर्डर पर देखी जा रही है। यही कारण है कि हमीरपुर में एंट्री एरिया बड़सर के पास बैरियर में दिन भर काफी संख्या में लोगों की आमद हो रही है। बड़सर डीएसपी जसवीर सिंह के अनुसार कर्फ्यू पास लेकर 24 घंटे में 614 लोगों ने जिला में प्रवेश किया है और 261 वाहनों की रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली से हमीरपुर में अपने घरों के लिए वापसी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैरियर पर पूरी चौकसी बरतकर लोगों की स्क्रीनिंग के साथ स्वास्थ्य जांच की जा रही है। जसवीर सिंह ने बताया कि बड़सर से होकर ही मंडी, कुल्लू के लिए लोगों को भेजा जा रहा है और इसके साथ ही चंडीगढ़, दिल्ली से शिमला, रामपुर के लिए भी इसी मार्ग से लोगों को भिजवाया जा रहा है। देखिए, जो बड़सर एक गरुड़ नाम का स्थान है जहाँ पर हमने नाका लगाया हुआ, जो हमारे पूरे जिला को जो है, जो इधर से जो हमीरपुर जब भोटा की तरफ जो लोग जाते हैं यहीं से होकर जाते हैं, तो वहाँ पे बैरियर लगा हुआ है। पुलिस चेक पोस्ट और मेडिकल उनकी टीम है, तो वहाँ पे जो भी बाहर से लोग विद पास आते हैं, बैलेट पास, चाहे वो दिल्ली से हैं, चंडीगढ़ से हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, जलंधर से हैं, तो उनका प्रॉपर इंट्री होती है। कोविड पास नंबर, कहाँ से इशू हुआ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, वो सारा उनको, जो बड़ी बात है कि आरोग्य सेतु ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो करवाई जा रही है। इसके अलावा वहाँ पे मेडिकल टीम द्वारा उनका प्रॉपर जो भी है वो थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद ही उनको आगे जाने दिया जाता है। और पिछले 24 घंटे में हमारे पास 614 पर्सन यहाँ से निकले हैं और 261 व्हीकल जो हमीरपुर के अंदर आए हैं और दूसरी जगह के लिए जो गए हैं, मंडी वगैरह के लिए, वो भी काफ़ी व्हीकल गए हैं और लोग भी गए हैं, काफ़ी गए हैं वहाँ के लिए, जैसे मंडी, कुल्लू की तरफ भी यहाँ से गए हैं। आई थिंक दिल्ली की तरफ से ज़्यादा आ रहे हैं जी, नहीं जो भी पास इशू हुए हैं उसमें पूरे लोग जितने भी उस गाड़ी में हैं उन सबका पास होगा। इंडिविजुअल का पास देखा जाता है, इंडिविजुअल का पास अगर है और वैलिड पास है, डीएम का इशू हुआ है तो उसको हम अलाउ करते हैं। कहा आपको कि आरोग्य सेतु ऐप हम यहाँ डाउनलोड करवाते ही करवाते हैं अगर किसी ने नहीं करा है। इसके अलावा उनको ये कहा जाता है कि वो जा करके, जैसा कि मेडिकल टीम उनको एडवाइस करती है, कि उन्होंने देखना है कि उसको होम क्वारंटाइन करना है या कुछ सिम्टम आते हैं तो उनको आइसोलेशन में भी भेजा जा सकता है, वो ही डिसाइड करते हैं। अगर होम क्वारंटाइन के लिए उनको एडवाइस किया गया है तो उनको विशेष हिदायतें दी जाती हैं कि वो अपने घर से नहीं निकलेंगे, घर के अंदर रहेंगे, घर के अंदर भी अपने आप को आइसोलेट रखेंगे और मास्क पहनेंगे बाकायदा और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो उसको पालना करेंगे, जो भी MHA की गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर फॉलो करेंगे और अपने जो आशा वर्कर हैं उनको रिपोर्ट करेंगे, अपने प्रधान को रिपोर्ट करेंगे, उनके फ़ोन नंबर हम भी रख रहे हैं, हम भी चेकिंग कर रहे हैं जा जा करके कि भाई कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हो रही है। और ये भी हिदायत कर रहे हैं कि अगर वो होम क्वारंटाइन का कोई उल्लंघना करते हैं तो उनके खिलाफ़ FIR भी लॉज होगी और बाकी फिर उनको दूसरी जगह भेजा भी जा सकता है, आइसोलेशन में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में।